Learn and grow better. Kindly show your love. Please like, share, and subscribe the channel, and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. Today we are going to discuss question answers of chapter 14, Electric Current and its Effect. साइंस क्लास सेवन इससे पहले हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा यानी कि सारी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बहुत इजीली आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे इवन सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्ले में मिल जाएंगे ताकि आपको ज्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े सिर्फ जस्ट टाइप like, so, करना है आपको लर्न एंड ग्रो बेटर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो मोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स सो आपको दिए फिलअप यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुई है एक एक करके स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिलअप को फिल करेंगे सो आर यू ऑलरेडी गेट स्टार्टेड सो द फर्स्ट वन इज लॉन्गर लाइन इन दिम्बल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स डैश टर्मिनल तो अब जरा सेल के सिंबल के ऊपर बात करिए तो सेल का जरा सिंबल बनाते हैं सेल के सिंबल में एक लॉन्गर लाइन आती है और एक शॉर्टर लाइन होती है शॉर्टर लाइन थिक होती है और लॉन्गर लाइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है कौन सा टर्मिनल रिप्रेजेंट कर रही है आपको ये बताना है तो हमेशा ध्यान रखना है लॉन्गर लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और शॉर्टर लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है सो द करेक्ट आंसर इज यस वेरी वेल डन पॉजिटिव टर्मिनल चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी दो और दो से ज्यादा सेल्स को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या बनता है बैटरी बनता है उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बैटरी क्लियर रहेगा चलो नेक्स्ट वेन द करेंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर अगर रूम हीटर में करंट स्विच ऑन है यानी कि करंट फ्लो कर रहा है रूम हीटर है तो क्या होगा हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि तो ये करंट का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो अगर स्विच ऑन है रूम हीटर का तो क्या होगा हीट प्रोड्यूस होगी सो द आंसर इज इट प्रोड्यूस हीट द नेक्स्ट वन इज द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सेफ्टी डिवाइस जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड है तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्यूज हर फ्यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लिमिट के होते हैं कि वो अपने में से इतना करेंट पास होने देंगे आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर करेंट की वैल्यू एक्सीड करती है मान लो कि करेंट फाइव एम्पियर तक पास हो सकता है अब मान लो आपके घर में करंट जो है सेवन एम्पियर आ गया तो क्या होगा फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाएगी तो बेसिकली फ्यूज जो है वो सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है जिसमें वायर जो है मेल्ट हो जाती है वेन द करंट एक्सीड इट्स लिमिट तो अगर करेंट की लिमिट एक्सीड करती है तो वायर मेल्ट हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे घर में कोई भी प्रॉपर्टी लॉस वगैरह कोई भी फायरिंग वगैरह नहीं होती तो आई होप आपको सारे फिलअप्स क्लियर होंगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर